अस्सलामुअलैकुम तमाम यूट्यूब फैमिली को, और अल्लाह का शुक्र है। बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और क्या कहते हैं काफ़ी ख़राब थी। फिर मैं बस उठी हूँ, आज लेट ही उठी हूँ, काफ़ी दोपहर में उठी थी, तकरीबन 1 बजे। मेरी बेटी ने नाश्ता वगैरह बना लिया था तो फिर बस मैंने वो किया। फिर जाहिर सी बात है, बच्चे तो छोटे ही हैं, इतने बड़े तो नहीं हैं। फिर मैंने कहा खाना ही बनाना है, तो वो मैंने क्या कहते हैं बनाया। फिर अभी तकरीबन फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, नहाई, कुरान शरीफ क्या कहते हैं पढ़ा। अभी असर की अज़ानी नहीं हुई है, तो क्या कहते हैं मैंने कहा मैं अपना व्लॉग शुरू करूं, व्लॉग तो बनाना है। मैंने कहा कुछ भी करूं, क्योंकि रजाई आप ही मेरी यूट्यूब फैमिली और तो कोई है नहीं, तो मैंने कहा व्लॉग तो हर कीमत पे बनाना है। फिर कैसे भी बस मैं भी नहा कर फ्रेश, बस अभी शाम हो गई है, तो शाम में जो है असर की नमाज़ में तो टाइम है। बस मैक्रोनी बना रही थी, तो मैक्रोनी जो है बच्चे मैक्रोनी खा रहे हैं, और क्या कहते हैं मैक्रोनी बना रही थी, वरना डबल रोटी चाय कभी खा लेते हैं, आज मैक्रोनी बच्चों ने बोला तो मैक्रोनी बना रही थी। लाइट आ गई है खाने, मैंने अंडे आलू और अरबी का सालन बना लिया था। थोड़ी अरबियाँ पड़ी हुई थी, मेरा बेटा अरबी नहीं खाता तो आलू डाल दिए थे। अंडे आलू का सालन तैयार है, अब क्या कहते हैं मैं बनाऊँगी। आटा गूँध लिया, रुक जाओ, आटा गूँध लिया है मैंने। बस अब मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि फ़ौरन 10 बजे जो है ना ठीक लाइट चली जाएगी, जल्दी जल्दी मैं रोटी बनाती हूँ। कहते हैं अभी बस लाइट आई है तो जल्दी जल्दी रोटियाँ डाली, क्योंकि लाइट फिर चली जाएगी तो फिर वही 1 बजे आती है लाइट, बहुत लंबी जाती है, पूरा पूरा दिन लाइट ही नहीं होती। तो मैं ये कह रही थी कि वो जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, बहन या भाई जो भी हैं, अल्लाह उनको क्या कहते हैं ईमान दे और क्या कहते हैं उनको खुश रखे। उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और उन्होंने अपनी वालदा का जिक्र किया था, 24 सितंबर को उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था, तो उनके लिए मैं दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला उनके जन्नत में आला से आला मुकाम अदा करे और उनके दर्जात बुलंद करे और उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। और मेरे वालिद साहब के लिए भी आप लोग सब दुआ करें, 15 सितंबर को उनका इंतकाल हुआ था, तो उनके लिए भी दुआ मगफरत करें। और जितने ही मुसलमान बहन भाई जितने भी इंतकाल कर चुके हैं उन सबके लिए दुआ करें, क्योंकि आप खाली अपने लिए नहीं, जब भी नमाज़ पढ़ें तो सबके लिए दुआ करें। तो बस बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना पड़ता है, और क्या कहते हैं अभी मैंने पंखा बंद किया हुआ है। बस यही है, आप लोग मेरे बारे में जो भी जानना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अब ये मगरिब हो गई है, मगरिब क्या ईशा भी हो गई है, रोटी बना ली है मैंने, वो समझ नहीं, लाइट 9 बजने वाले, तो क्या कहते हैं लाइट दोबारा चली जाएगी। मैंने कहा जल्दी जल्दी एंड करूँ, क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं समझे वो तो चिड़ियाघर है, वहाँ 3 पोर्शन बने हुए, इतना बच्चे शोर मचाते हैं। आज रात हो गई, आज मेरा काफ़ी लेट, मैंने शुरू ही किया था, फिर मैं करती शाम में तो लाइट जाती है, तो बच्चे इतना शोर मचाते हैं बाहर गेट के कि वो सारी आवाज़ें आ रही होती हैं। एक तो इसकी आवाज़ ही इतनी कम है मोबाइल की, तो ना रात हो गई है। बस अब मैं यही कह रही हूँ कि मेरे लिए दुआ करें, और क्या कहते हैं अल्लाह ताला सबको खुश रखे, ईमान दे, सेहत दे, सबकी रोज़ी रस्में बरकत दे, और सबको जो है हिफ्ज़ अपने ईमान में रखे, और मेरी दुआ करें। और ये है कि बस ये है, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोगों की दुआएँ और आपका सब्सक्राइब कर दें, बस मेरे लिए वही बहुत है। और क्या कहते हैं जिन्होंने जिन्होंने भी किया है, जिसने भी किया है अल्लाह ताला उन सबको ईमान दे, सेहत दे, और जिन्होंने नहीं किया वो भी करें, और क्या कहते हैं सबके रिश्ते बरकत दे, ईमान दे, सेहत दे, सबको अपने ईमान में रखे। इसी के साथ मैं आज अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, कल नए ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।